ये रहा हमारा सारा मसाला। ये देखें तो ईद स्पेशल में बनने वाला है टीआरएस मसाला का यूज करके चिकन बिरयानी। जी हाँ, चिकन बिरयानी, और वो भी पति देव के लिए, क्योंकि हम तो चिकन खाएंगे नहीं, उनके लिए बना रहे हैं। और बहुत दिन के बाद चिकन तो ग्रिल करते हैं, लेकिन चिकन ग्रेवी वाली या बिरयानी बनाए हुए हमको बहुत टाइम हो गया। जनरली हम मटन ही बनाते हैं, चिकन हम खाते नहीं है तो बनाते नहीं है, लेकिन बहुत दिन के बाद चिकन बना रहे हैं, बहुत दिन। और ये देखिए 500 ग्राम चिकन को धो के कट कर लिए हैं। और ये फ्रेश मिंट का क्या खुशबू है भाई साहब, मस्त लगता है। लेकिन फ्रेश मिंट, घर का फ्रेश मिंट, वाओ, मार्केट से लाते तो इतना एकदम फ्रेश नहीं आता है, लेकिन घर का जवाब नहीं। बिरयानी में फ्रेश मिंट का मस्त स्वाद आएगा। और यहाँ पे राइस को हाफ एन आवर पानी में डाल के छोड़ दिए हैं बिरयानी के लिए। पानी में जितना डाल के छोड़िए उतना अच्छा राइस आपका बनेगा बिरयानी का। तो चलिए, सारा मसाला मेरा आ गया और उधर मेरा अपने लिए कुछ बन रहा है, उधर चढ़ा दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब... क्या है, मस्त खुशबू आ रहा है। अभी बना कुछ नहीं है, देखो ना यहाँ पे रखा हुआ, इनको खुशबू आ रहा है ऊपर से, बना नहीं है। हम अभी ऑफिस आए हैं ना, नहीं कुछ तो बना है, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। ये देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ, देखिए बोले ना। हाँ, क्या इधर लग रहा है कि मटन जो है ना बना रही है। ये देखिए इनका अभी रखा ही हुआ चिकन बन रहा है। हाँ, तो हमारी बीवी जो है चिकन नहीं खाती, तो अपना मटन बना रही है। यार हमारे ऋषि बाबू के लिए चिकन बिरयानी है ना, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद बन रहा है आपकी खुशी में, ईद के शुभ मौके पे। ईद के शुभ मौके, टीआरएस मसाला जिंदाबाद। टीआरएस मसाला जितना टीआरएस का मसाला मिला था ना, टीआरएस वाले बाबा, टीआरएस वाले बाबा देख लीजिए, हमारी धर्मपत्नी ने पूरा बाजार लगा दिया है, टीआरएस जिंदाबाद कर रही है। हाँ, तो टीआरएस का यूज करके हम बिरयानी बनाएंगे। चलिए जल्दी बनाइए भाई, हमको भूख लग गया है खुशबू से, समझे। बहुत अच्छा, देखिए 5 बजे बोले आएंगे और 6:03 में आए हैं आज ऑफिस खत्म किए हैं। इतना कोई ऑफिस करता है? हम काम करते जानू, आपकी तरह हम जो है ना इसे नहीं बैठे रहते हैं। आज खाना नहीं मिलेगा, चल खाना, आज खाना नहीं बनेगा बाबा। नहीं सुन, हम क्या बोले ना, हम काम करते हैं, हम आपकी तरह ज्यादा नहीं करते हैं काम, ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं, लाइन के लाइन यही बोले हैं। ये रहा हमारा, ये सबसे पहले जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। और ये हम अदरक थोड़ा सा यहाँ पे कूट के रखे थे, ये भी जाएगा, टेस्ट बढ़ाने के काम आएगा, बढ़ाने के काम में आएगा। यहाँ पे जाएगा हमारा ये कोरिएंडर, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोरिएंडर। अब ये सारे मसाले जाएंगे, ये जाएगा सबसे पहले धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, यस। ये जाएगा गरम मसाला, ये गरम मसाला, ये रहा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, चिली कम डालेगी मेरी बीबी है ना। हाँ, आप लोग खाइएगा तो कम डाल। ठीक है, अगला हल्दी, हल्दी, हल्दी के बाद अगला नंबर नमक का। नमक टीआरएस नहीं है बाबा। टीआरएस का नमक आता है क्या? पता नहीं, नहीं आता। और ये गया हमारा बिरयानी मसाला, ओके। उसके बाद गया हमारा ये टीआरएस का फ्राइड ऑनियन। आप चाहें तो जैसे यहाँ पे हम बिरयानी के लिए फ्राई करके भी रखे हैं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी ये हम मिक्स करेंगे। अच्छा, और फिर ये वाला भी, हमको ना वो भी टेस्ट अच्छा लगता है और इसका भी अच्छा लगता है, तो हम दोनों मिक्स करके डालते हैं। ये वाला टीआरएस का नहीं, ये वाला बहुत अच्छा, ये वाला आप ऐसे भी खा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ये टोमेटो, ओके। ये रहा हमारा ये लेमन, लेमन तो ऑप्शनल नहीं है ना, नहीं ये डालने एकदम मैंडेटरी है ये। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये है फूड कलर, ये ऑप्शनल है, हम डालते हैं, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। और ये हमारा 10% दही, दही दही। ये क्या हमारा योगर्ट, योगर्ट का क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखे हैं। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा सरसों ऑयल यूज कर रहे हैं, ये हम डालते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, हमको पसंद है थोड़ा सा ऑयल एकदम। चलिए इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए मिक्स हो जाए चिकन, कुकड़ू को मत कर। हाँ, इसको मिक्स करके
आधे घंटे से ऊपर फ्रिज में छोड़ देंगे, उसके बाद अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा, फिर इसको भूनेंगे, उसके बाद फिर बिरयानी तैयार होगा। बिरयानी तुरंत बन जाएगा लेकिन उसको बनने में 2.5 से 3 घंटे लगे। मटन बना, मटन अभी वहाँ पे चढ़ा हुआ है। ऋषित ना कंफ्यूज है, चिकन खाए, चिकन बिरयानी खाए कि मटन खाए, दोनों खा ले बेटा। हम बोले तुम दोनों खा लेना, वो कंफ्यूज है कि हम खाए क्या। ये जाएगा हमारा मैरिनेट चिकन, और चिकन का पीस का साइज बड़ा ही रखे हैं, तो छोटा नहीं किए हैं। फिर पानी हमारा गर्म हो गया है चावल बनाने के लिए, और ये देखिए ये सारा हमारा खड़ा मसाला है, इसमें जाएगा पानी में, और जाएगा मिंट और कोरिएंडर और नमक। नमक होना चाहिए क्योंकि बिरयानी में चावल का टेस्ट तो फिक्का ना पड़े, इसके लिए नमक तो डाल ही देंगे। लेमन, ताकि आपका राइस जो है ना एकदम व्हाइट रहे, या तो वेनेगर या लेमन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये रहा हमारा राइस, उसको फूलने के लिए छोड़ दिए थे, और इसको हमको हाफ कुक करना है। और यहाँ पे ये रहा हमारा चिकन, ऑलमोस्ट पूरा कुक हो गया है। अब इसमें हमारा जाएगा ये राइस, और इसमें जाएगा ये हमारा हाफ, हम चिकन निकाल चुके थे उसको यहाँ डाल देते हैं। और राइस हमारा 70% कुक हो चुका है। जाएगा हमारा ये कोरिएंडर, और ये जाएगा फूड कलर, आप चाहें तो येलो भी फूड कलर यूज कर सकते हैं। साथ में जाएगा ये हमारा फ्राइड ऑनियन, और यहीं पे जाएगा हमारा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पे बिरयानी मसाला, और यहीं पे जाएगा गरम मसाला, थोड़ा यहाँ पे ऐड करेंगे घी, और ये जाएगा हमारा लेमन। चलिए इसको कवर करते हैं, इसको कवर दो तरह से कर सकते हैं, एक प्लेट डाल के और आटा साइड में लगा देंगे, लेकिन हम एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर रहे हैं, तो चलिए इसको कवर करते हैं, और इसे 15 मिनट लो फ्लेम पे कुक करना है। चलिए चलिए कुक होता है फिर दिखाते हैं आप लोग को। चलिए 5 बजे से बना रहे थे, तब जाके 9:30 हो रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा, इधर दिखाते हैं, 9:30 हो रहा, फाइनली मेरा खाना पीना बन चुका है, ये देख रहे हैं, ये मेहनत सफल, आइए मेहनत सफल हो गया, वाह 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 वाह, गरम गरम। तो हमने खाना शुरू कर दिया है, हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को, गर्मा गर्म है एकदम, बहुत गर्म है, फिर भी गरम गरम लग रहा है कि एक जमाने के बाद अपनी बीवी के हाथों को नहीं खा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वो तो उनका हो गया ये, और ये मेरा, ये देखिए ये मेरा, ये मेरे लिए बना है मटन। आप सबको ईद मुबारक हो, और मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और खाते खाते हमें देखना पड़ेगा ये लल्लन टॉप।